हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक समझेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है और पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के पाई चार्ट डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 5.1 में देखा था कि हम बार ग्राफ के द्वारा, डबल बार ग्राफ के द्वारा और हिस्टोग्राम के द्वारा डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हम पाई चार्ट के द्वारा भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम दो एग्जांपल्स के द्वारा ये समझेंगे कि पाई चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है, और इन दो एग्जांपल्स को समझने के बाद आप पाई चार्ट के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हमें ये डाटा दिया गया है जिसमें हमें ये बताया गया है कि एक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स से ये पूछा गया कि उन्हें आइसक्रीम के कौन से फ्लेवर पसंद है। तो 50% स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, 25% स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें वेनिला फ्लेवर पसंद है, और 25% स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उन्हें अदर फ्लेवर्स यानी कि दूसरे फ्लेवर्स पसंद है। अब अगर आप इस डाटा को पाई चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको इन तीनों परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद इन तीनों के सेंट्रल एंगल फाइंड करने होंगे। और जब आपको इन तीनों के सेंट्रल एंगल मिल जाएंगे उसके बाद ही आप इस डाटा को पाई चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के पाई चार्ट को हम सर्कल ग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि पाई चार्ट सर्कल की शेप में बनता है और एक सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इन तीनों के सेंट्रल एंगल जो हमें मिलेंगे उन तीनों का सम भी 360 डिग्री के इक्वल ही होगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम ये टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे फ्लेवर्स, चॉकलेट, वेनिला, अदर फ्लेवर्स। सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफरिंग द फ्लेवर्स, 50%, 25%, 25%। यानी के 50% स्टूडेंट्स चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं, 25% स्टूडेंट्स वेनिला फ्लेवर पसंद करते हैं, और 25% स्टूडेंट्स अदर फ्लेवर्स पसंद करते हैं। और थर्ड कॉलम में यहां पर हम लिखेंगे इन फ्रैक्शन, यानी कि हम इन तीनों परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हम लिखेंगे 50/100। 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हम लिखेंगे 25/100। और इस 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर भी हम लिखेंगे 25/100। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब यहां पर बचा 5/10। 5/10 को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि 5 और 10 5 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो जब हमने 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 1/2। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2। इसके बाद 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हम लिखेंगे 25/100। 25/100 को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये जीरो बचा, ये जीरो यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर हमें मिला 5/20। अब इन दोनों को भी आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो जब हमने 25/100 को सॉल्व किया तो हमें मिला 1/4। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/4। तो 25% को जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 1/4।
अब यहां पर भी 25% है और जब हम इस 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर भी हमें आंसर मिलेगा 1/4। अब हमने इन तीनों परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इन तीनों के सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। तो इस फोर्थ कॉलम में यहां पर हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल, और चॉकलेट का सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए ये जो फ्रैक्शन यहां पर हमें मिला था 1/2, इस 1/2 को हम यहां पर लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री के साथ। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स के 360 डिग्री और 2 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 1 जा 2, और यहां पर देखिए 2 1 जा 2, यहां पर 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16, यहां पर 0 बचा, 0 यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर हमें आंसर मिला 180 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे 180 डिग्री। तो चॉकलेट का सेंट्रल एंगल हमें मिल गया है 180 डिग्री। अब हम वेनिला का सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। तो वेनिला का यहां पर फ्रैक्शन हमें मिला था 1/4, तो ये 1/4 हम यहां पर लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री के साथ। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 360 डिग्री और 4 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं, तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 4 से काटेंगे। अब देखिए 4 1 जा 4, और यहां पर देखिए 4 9 जा 36, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आएगा, तो यहां पर हमें आंसर मिला 90 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे 90 डिग्री। तो वेनिला का सेंट्रल एंगल हमें मिल गया है 90 डिग्री। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अदर फ्लेवर्स का फ्रैक्शन भी 1/4 है, तो अदर फ्लेवर्स का सेंट्रल एंगल भी 90 डिग्री ही आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने इन तीनों का सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया है। अब हम इस डाटा को पाई चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इन तीनों सेंट्रल एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। पाई चार्ट बनाने के लिए आप कंपास को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ओपन करेंगे और इस तरह से ये सर्कल बनाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये सर्कल का सेंटर है। अब यहां पर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने ये रेडियस ड्रॉ की है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 सेंट्रल एंगल्स हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास 3 सेंट्रल एंगल्स हैं तो आपको यहां पर सिर्फ 2 सेंट्रल एंगल बनाने होते हैं, तीसरा सेंट्रल एंगल अपने आप बन जाता है। अब मान लीजिए कि यहां पर 5 सेंट्रल एंगल्स होते तो हमें सिर्फ 4 सेंट्रल एंगल बनाने पड़ते और जो पांचवा सेंट्रल एंगल होता वो अपने आप बन जाता। अब अगर आप चाहें तो 180 डिग्री का एंगल पहले बना सकते हैं और उसके बाद हम ये 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल अपने आप बन जाएगा। और अगर आप चाहें तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स पहले बना सकते हैं और ये 180 डिग्री एंगल अपने आप बन जाएगा। तो हम ये 90 डिग्री के एंगल्स पहले बनाएंगे और ये 180 डिग्री का एंगल अपने आप बन जाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए प्रोट्रैक्टर यानी कि डी के इस पॉइंट को हम यहां पर इस पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रोट्रैक्टर यानी डी में 90 डिग्री का एंगल यहां पर आता है, तो 90 डिग्री के लिए ये पॉइंट हम यहां पर बनाएंगे। अब हम इस सेंटर को और इस 90 डिग्री के पॉइंट को जो यहां पर हमने बनाया था इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये लाइन ऊपर तक ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि सेंटर से लेकर सर्कल तक ड्रॉ करेंगे इस तरह से।
अब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर हम 90 डिग्री का सिंबल बना देंगे, और आप अगर चाहे तो यहां पर 90 डिग्री लिख भी सकते हैं। अब हम एक 90 डिग्री का एंगल तो बना चुके हैं, अब हम दूसरा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और ये जो दूसरा 90 डिग्री का एंगल है, ये यहां पर यानी के इस रेडियस पर बनेगा। अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम प्रोट्रैक्टर यानी के डी के इस पॉइंट को यहां पर इस तरह से रखेंगे, और यहां पर 90 डिग्री के एंगल के लिए ये पॉइंट बनाएंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जितने भी सेंट्रल एंगल्स हम यहां पर बनाते हैं, उसके लिए हम प्रोट्रैक्टर यानी डी के इस पॉइंट को सेंटर पर रखते हैं। सेंटर यानी सर्कल का सेंटर। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री के एंगल का पॉइंट है। अब हम सर्कल के सेंटर को 90 डिग्री के एंगल के इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम इस लाइन को यहां आगे तक इस पॉइंट तक नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि सेंटर से लेकर सर्कल तक बढ़ाएंगे। अब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बना है, तो यहां पर हम 90 डिग्री का सिंबल बनाएंगे, और अगर आप चाहे तो यहां पर 90 डिग्री लिख भी सकते हैं। अब यहां पर हमने 90 डिग्री के दो सेंट्रल एंगल बना दिए हैं, और जो तीसरा सेंट्रल एंगल था 180 डिग्री, ये 180 डिग्री का एंगल आप देख सकते हैं कि यहां पर अपने आप बन गया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि यहां पर हमें दो ही सेंट्रल एंगल्स 90 डिग्री के बनाने पड़े, और जो तीसरा सेंट्रल एंगल था 180 डिग्री का, ये अपने आप बन गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये सर्कल तीन प्रपोर्शंस में यानी कि तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। 180 डिग्री का सेंट्रल एंगल किसके लिए था? चॉकलेट के लिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चॉकलेट। अब ये दोनों ही सेंट्रल एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो अगर आप चाहें तो यहां पर वनीला और यहां पर अदर फ्लेवर्स लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो यहां पर अदर फ्लेवर्स और यहां पर वनीला लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने वनीला लिखा है और यहां पर हमने अदर फ्लेवर्स लिखा है। अब इस पाई चार्ट को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स चॉकलेट फ्लेवर को लाइक करते हैं, जबकि वेनिला और अदर फ्लेवर्स को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या सेम है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के पाई चार्ट में जो पोर्शन जितना बड़ा होता है, वो उतने बड़े डाटा को रिप्रेजेंट करता है, और जो पोर्शन जितना छोटा होता है, वो उतने छोटे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। इस पाई चार्ट में ये वाला पोर्शन सबसे बड़ा है और ये दोनों पोर्शंस इक्वल हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक स्टूडेंट की डेली एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है कि वो स्टूडेंट दिन के 24 आवर्स को किस तरह से स्पेंड करता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट के 8 आवर्स स्लीप यानी के सोने में निकल जाते हैं, 7 आवर्स ये स्टूडेंट स्कूल में होता है, 4 आवर्स ये स्टूडेंट घर में होता है, 2 आवर्स ये स्टूडेंट खेलने में लगाता है, और 3 आवर्स ये स्टूडेंट अदर एक्टिविटीज में लगाता है। पिछले एग्जाम्पल की तरह इस एग्जाम्पल में भी हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले तो हम इस डाटा को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और उसके बाद हम इन सब के सेंट्रल एंगल्स फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम ये टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम हैं। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे एक्टिविटीज, स्लीप, स्कूल, होम, प्ले, अदर्स। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स, 8, 7, 4, 2, 3। पिछले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में मेन डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि पिछले एग्जाम्पल में जो डाटा था वो परसेंटेज में था, लेकिन इस एग्जाम्पल में जो डाटा हमें दिया गया है, ये डाटा परसेंटेज में नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे, और जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 24। अब हम 8 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 8/24।
अब 8 और 24 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं और 8 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं और 8 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 8 से काटेंगे। अब देखिए, 8 वन जा 8 और यहां पर देखिए 8 3 जा 24, तो यहां पर हमें मिला 1/3, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/3। तो जब हमने 8 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 1/3। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस डाटा का जो सम है यानी कि 24, यही आप यहां पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब हम 7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 7/24। 7/24 को आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है तो इसे हम 7/24 ही लिखेंगे। अब हम 4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 4/24। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 और 24 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 4 से काटेंगे। अब देखिए, 4 वन जा 4 और यहां पर देखिए 4 सिक्स जा 24, तो यहां पर हमें मिला 1/6, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/6। अब हम 2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 2/24। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 और 24 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए, 2 वन जा 2 और यहां पर देखिए 2 वन जा 2 और इसके बाद ये 4 बचा, 2 टू जा 4, तो यहां पर हमें मिला 1/12, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/12। अब हम 3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 3/24। 3/24 को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 3 से काटेंगे। अब देखिए, 3 वन जा 3 और यहां पर देखिए 3 8 जा 24, तो यहां पर हमें मिला 1/8, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/8। तो इस तरह से हमने इन सभी नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इन सब के सेंट्रल एंगल्स फाइंड करेंगे। अब यहां पर फ्रैक्शन है 1/3, इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए यहां पर हम लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, 360 डिग्री और 3 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 3 से काटेंगे। अब देखिए, 3 वन जा 3 और यहां पर देखिए 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आएगा, तो यहां पर हमें मिला 120 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे 120 डिग्री। तो इस तरह से हमने स्लीप वाले पार्ट का सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद यहां पर फ्रैक्शन है 7/24, तो यहां पर हम लिखेंगे 7/24 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, 360 और 24 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं, 6 की टेबल में भी आते हैं और 12 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं और 12 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 12 से काटेंगे। अब देखिए, 12 टू जा 24 होता है और 12 थ्री जा 36 होता है, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आएगा। अब इसके बाद 30 और 2 को भी आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए, 2 वन जा 2 और यहां पर देखिए 2 वन जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10।
अब यहां पर बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 15। जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो हमें मिलेगा 105। तो यहां पर हम लिखेंगे 105 डिग्री। अब इसके बाद यहां पर फ्रैक्शन है 1/6, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/6 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, 360 और 6 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं और 6 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 6 से काटेंगे। अब देखिए 6 1 जा 6 और यहां पर देखिए 6 6 जा 36, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आएगा। तो यहां पर हमें मिला 60 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब यहां पर फ्रैक्शन है 1/12, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/12 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। हम इन दोनों नंबर्स को 12 से काटेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर्स 12 की टेबल में आते हैं। अब देखिए 12 1 जा 12 और यहां पर देखिए 12 3 जा 36, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर हमें मिला 30 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे 30 डिग्री। अब यहां पर फ्रैक्शन है 1/8, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, 360 और 8 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं और 8 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं और 8 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 8 से काटेंगे। अब देखिए 8 1 जा 8, अब यहां पर देखिए 8 4 जा 32, 36 में से 32 गया, 4 बचा, 4 and 0 40, 8 5 जा 40, तो यहां पर हमें मिला 45 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे 45 डिग्री। तो इस तरह से हमने इन सभी के सेंट्रल एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। अब यहां पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स के टोटल कितने सेंट्रल एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 सेंट्रल एंगल्स हैं। और जब हम पाई चार्ट बनाएंगे तो इनमें से कोई भी 4 एंगल्स हम ड्रॉ करेंगे और जो पांचवा एंगल होगा वो अपने आप बन जाएगा। अब पाई चार्ट बनाने के लिए आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कंपस को ओपन करेंगे और इस तरह से ये सर्कल बनाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये इस सर्कल का सेंटर है। अब हम यहां पर इस सर्कल की रेडियस बनाएंगे। ये हम इस सर्कल की रेडियस बना रहे हैं। अब हमारे पास यहां पर 5 सेंट्रल एंगल्स हैं। इनमें से कोई भी 4 सेंट्रल एंगल्स आप यहां पर बना सकते हैं और पांचवा सेंट्रल एंगल अपने आप बन जाएगा। अब आप सबसे पहले कौन सा सेंट्रल एंगल बनाना चाहते हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। हम यहां पर इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसके बाद 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसके बाद हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसके बाद हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 45 डिग्री एंगल अपने आप बन जाएगा। तो सबसे पहले हम सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसके लिए हम प्रोट्रैक्टर यानी कि डी के इस पॉइंट को यहां पर इस तरह से रखेंगे। अब क्योंकि ये एंगल इस लाइन के लेफ्ट साइड में बन रहा है तो एंगल्स राइट से स्टार्ट होंगे, यानी कि 0 10 20 30 40 50 60 70 80 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री 110 डिग्री 120 डिग्री। तो 120 डिग्री एंगल का पॉइंट हम यहां पर बनाएंगे। अब हम सेंटर को इस 120 डिग्री एंगल के पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस लाइन को हम यहां तक नहीं बढ़ाएंगे बल्कि सेंटर से लेकर सर्कल तक यहां तक बनाएंगे। अब ये कितने डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे 120 डिग्री।
तो इस तरह से हमने 120 डिग्री का सेंट्रल एंगल बना लिया है। अब हम 105 डिग्री का सेंट्रल एंगल बनाएंगे और ये 105 डिग्री का सेंट्रल एंगल इस रेडियस पे यहां पर बनेगा। इसके लिए हम प्रोट्रैक्टर यानी कि डी के इस पॉइंट को यहां पर इस रेडियस पर इस तरह से रखेंगे। अब क्योंकि ये एंगल इस लाइन के लेफ्ट साइड में बन रहा है तो एंगल्स राइट से स्टार्ट होंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री और ये 110 डिग्री है। तो जो 105 डिग्री है वो 100 और 110 के मिडल में यानी कि यहाँ पर आएगा। तो 105 डिग्री एंगल का पॉइंट हम यहाँ पर 100 और 110 के मिडल में बनाएंगे। अब हम सेंटर को 105 डिग्री एंगल के इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम इस लाइन को यहां तक नहीं बढ़ाएंगे बल्कि सेंटर से सर्कल तक बनाएंगे। अब ये 105 डिग्री एंगल है तो यहां पर हम लिखेंगे 105 डिग्री। अब हम ये 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये 60 डिग्री का एंगल इस रेडियस पर यहां पर बनेगा। इसके लिए हम प्रोट्रैक्टर यानी कि डी के इस पॉइंट को इस तरह से रखेंगे। अब क्योंकि ये एंगल इस लाइन की लेफ्ट साइड में बन रहा है तो एंगल्स राइट से स्टार्ट होंगे यानी कि 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल का पॉइंट हम यहां पर बनाएंगे। अब हम सेंटर को 60 डिग्री एंगल के इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस लाइन को हम यहां तक नहीं बढ़ाएंगे बल्कि सेंटर से सर्कल तक बनाएंगे। अब ये कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का एंगल। तो यहां पर हम लिखेंगे 60 डिग्री। इसके बाद हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये 30 डिग्री का एंगल इस रेडियस पर इस पॉइंट पे बनेगा। इसके लिए हम प्रोट्रैक्टर यानी कि डी के इस पॉइंट को इस रेडियस पर इस तरह से रखेंगे। अब क्योंकि ये एंगल इस लाइन के लेफ्ट साइड में बन रहा है तो एंगल्स राइट से स्टार्ट होंगे 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल का पॉइंट हम यहां पर बनाएंगे। अब हम सेंटर को 30 डिग्री एंगल के इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस लाइन को हम यहां तक नहीं बढ़ाएंगे बल्कि सेंटर से सर्कल तक बनाएंगे। अब ये कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। तो यहां पर हम लिखेंगे 30 डिग्री। अब यहां पर चार सेंट्रल एंगल्स हमने बना लिए हैं, 120 डिग्री, 105 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। और जो पांचवा सेंट्रल एंगल है 45 डिग्री, वो यहां पर अपने आप बन गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे 45 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया है और इस पाई चार्ट में ये 120 डिग्री का सेंट्रल एंगल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लीप को। तो यहां पर हम लिखेंगे स्लीप। और ये 105 डिग्री एंगल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्कूल को। तो यहां पर हम लिखेंगे स्कूल। और ये 60 डिग्री एंगल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? होम को। तो यहां पर हम लिखेंगे होम। और ये 30 डिग्री एंगल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? प्ले को। तो यहां पर हम लिखेंगे प्ले। और ये 45 डिग्री एंगल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? अदर्स को। तो यहां पर हम लिखेंगे अदर्स। अब इस पाई चार्ट को देखकर आप आसानी से जज कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम स्लीप में है, उससे कम टाइम स्कूल में है, उससे कम टाइम होम में है, उससे कम टाइम अदर्स में है और सबसे कम टाइम प्ले में है। क्योंकि इस पाई चार्ट में सबसे बड़ा पोर्शन स्लीप का है, उससे छोटा पोर्शन स्कूल का है, उससे छोटा पोर्शन होम के लिए है और उससे छोटा पोर्शन अदर्स के लिए है और सबसे छोटा पोर्शन प्ले के लिए है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।